बच्चों, आज मैं संत मैरी पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सब्जेक्ट मैथ पढ़ाऊंगी क्लास M3 से। इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, मैथ में हम ऐड बताए थे, फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा, इसलिए हम दोबारा फिर से हम बता देते हैं। तो मैथ में जो है ऐड, ये ऐड है, ऐड द फ्लोइंग, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है 15 में, पेज नंबर 15 में जो ऐड है, ऐड द फ्लोइंग, वो उसको आप बनाना है। तो ये 5 है और ये 4 है, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले ये दोनों को ऐड कर देना है, 5 है तो 5 काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5, और इसके बाद क्या है 4, 1 2 3 4, दोनों को काउंट करके एक जगह करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9, तो उसके नीचे आपको 9 लिख देना है। फिर दूसरे साइड देखिए क्या है, यहाँ पे 4 और 1, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लकीर फिर से लिख खींचेंगे, 1 2 3 4, और फिर 1 है, दोनों को एक जगह कर दो, 1 2 3 4 5, कितना आया 5, तो ये कितना हो गया 59 आंसर हुआ इसका। वैसे ही यहाँ ये 2 अंक हो गया, आपको हम 3 अंक भी बता देते हैं। देखिए जैसे एक इस ढंग से बनता है, 2 add 4 add 3, ये 3 अंक है, इसको कैसे करना है, ये भी ऐड है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ढंग से हम बता रहे हैं, ये सिंपल ऐड में हुआ और ये भी सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग है। ये कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लकीर खींचिए, 1 2, ये कितना है 4, 1 2 3 4, और ये कितना है 3, ठीक है बच्चों, देखिए ये 3 है तो 3 लकीर खींचेंगे, खींच लिए, अब ये सारे लकीर को हम एक जगह कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी ढंग में इसको हम बना सकते हैं, जैसे 2 4 3, इस ढंग से भी बना सकते हैं, जैसे दिया रहता है वैसे कॉपी में बनाना चाहिए। तो ये पेज नंबर 15 का आप बनाइएगा, और जो समझ में नहीं आएगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके हमें बताइएगा, ठीक है। इस पेज नंबर 15, 16 में भी ऐड दिया हुआ है, ये भी आप बना लीजिएगा, अगले दिन हम बताएंगे। थैंक यू।